सो गाइज, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आपको अनलिमिटेड फॉलोवर्स कैसे ले सकते हैं आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, या सीधे आप चैनल पर जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, आज का वीडियो उसी के रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आप कैसे अनलिमिटेड क्रिस्टल्स ले सकते हैं न्यूट्रोनो प्लस ऐप में, जहां पर मैंने दिखाया था कि आपको पहले क्रिस्टल्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप अपने इंस्टा आईडी पर फॉलोवर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हम एक आर में सिर्फ 60 बंदे को फॉलो कर सकते थे और अपने क्रिस्टल ले सकते थे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अनलिमिटेड क्रिस्टल ले सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो गाइस, आज के इस वीडियो को आपको सिंपली क्या करना है, लास्ट तक देखना है, शेयर करना है, कमेंट करना और लाइक करना है। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी ऐसी वीडियो ना देखें यूट्यूब पर जिसमें आपको दिखाया जाए कि आप न्यूट्रोनो प्लस का मोड वर्जन डाउनलोड करें। वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको किसी भी जगह न्यूट्रोनो प्लस का मोड वर्जन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप क्रिस्टल्स बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल आप ले सकते हैं और अपने फॉलोअर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सो चलिए, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने इंस्टाग्राम आईडी। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पर मेरे कितने फॉलोवर हैं, 1305 और फॉलोविंग 11 है। और उस वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप फॉलोविंग कैसे कम रखेंगे, वो भी इसी ट्रिक की हेल्प से है। क्योंकि आपको इस आईडी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या छेड़छाड़ नहीं करनी है, किससे आपको वो बढ़ाने फॉलोवर, फिर आप अगर आप यहां से फॉलो नहीं करेंगे किसी बंदे को तो फॉलोवर्स कैसे इंक्रीज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक दो तीन आपको फेक अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ अकाउंट्स फेक हैं और कुछ अकाउंट्स यहां पर मैंने मतलब रियल अकाउंट बनाए। तो यहां पर हम एक अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला मेरा फेक अकाउंट है। यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसी से फॉलो करता हूं यहां से बंदों को और उसके बाद अपनी आईडी पर फॉलोवर इंक्रीज करता हूं। तो कैसे करता हूं, यहां पर आपको एक ऐसी आईडी बनानी है, फिर आपको प्रोफाइल चढ़ानी है, उसके बाद एक पोस्ट डालना है, क्योंकि वहाँ पर आपको लगना नहीं चाहिए उन बंदों को, सॉरी यहाँ पर उस एप्लीकेशन को लगना नहीं चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वो फेक है। सो पोस्ट डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको न्यूट्रोनो प्लस में यही वाली आईडी लॉगिन करनी है जो आपने फेक अकाउंट बनाया ना, वो यहाँ पर आपको न्यूट्रोनो प्लस में लॉगिन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा है, अभी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं साइन इन, तो साइन आउट हो चुका है, तो हम यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना आईडी और पासवर्ड। तो गाइस, यहाँ पर आपको कर लेना है टिक, उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पर आप फॉलोवर इंक्रीज करते हैं, वो पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है। अभी अभी मैंने एक पोस्ट डाला है क्योंकि इनको लग रहा था कि मेरी आईडी फेक है, तो मैंने पहले पोस्ट डाला उसके बाद ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस आईडी से जो आपने फेक आईडी बनाई उससे आपको बंदों को फॉलो करना है। यहाँ से जैसे कि यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और आईडी पर चले जाकर फॉलो कर लेना है और बैक आना है। तो गाइज, यहाँ पर बैक आने के बाद आपका जो क्रिस्टल है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे क्रिस्टल इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे ही आपको बहुत सारे बंदों को फॉलो कर लेना है और यहाँ पर क्रिस्टल लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिस्टल का एक ऑप्शन है नीचे, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर मोर क्रिस्टल पर चले जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर सिस्टम, सॉरी यहाँ पर ट्रांसफर क्रिस्टल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने इन क्रिस्टल्स को अपनी दूसरी आईडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी दूसरी आईडी को लॉगिन, जो हमारी रियल आईडी है। तो हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूट्रोनो प्लस एप्लीकेशन में। तो अगर आपके पास एमआई का डिवाइस है तो आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन का जो न्यूट्रोनो प्लस, इसका ड्यूअल ऐप बना लीजिए। अगर आपके पास कोई और डिवाइस है जिसमें ड्यूअल ऐप का ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जहाँ पर पैरेलल जो एप्लीकेशन है बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया, यहाँ पर मेरे क्रिस्टल कितने हैं, 91। अब हम अपने क्रिस्टल को ट्रांसफर करेंगे अपनी आईडी पर। तो आईडी क्या है हमारी, टेक्नो आजू। तो जो भी आपकी आईडी होगी वो यहाँ पर नीचे लिख लेनी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपको कितने क्रिस्टल्स ट्रांसफर करने हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1000 ट्रांसफर करने हैं मेरे को। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है,
सेंड कर लेना है। और जैसे आप सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपके क्रिस्टल कट हो जाएंगे और आपकी आईडी में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम चलते हैं अपनी आईडी में और अपनी आईडी को रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 791, तो 1000 बराबर क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर ये 25% कट हो जाते हैं ट्रांसफ़र फ़ी, इसीलिए यहाँ पर ये 1000 मैंने लगाया और वहाँ पर 700 ही आए। तो गाइज़ इस टाइप से आप अपने क्रिस्टल को अपनी आईडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी जो यहाँ पर आईडी फेक आईडी बना के रखी है, तो यहाँ पर हम और एक एप्लीकेशन अपने न्यूट्रोनो प्लस को ओपन कर लेते हैं। तो ये दूसरा न्यूट्रोनो प्लस है, इसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा ये क्या है। तो हम यहाँ पर लॉग इन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ओपन और यहाँ पर हमारा ये अकाउंट लॉगिन है। अब हम यहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्रिस्टल्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना अकाउंट का आईडी, अकाउंट की आईडी लिखते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं 1250 ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सेंड और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1250 सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपडेट कर लेते हैं प्रोफाइल और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1666 और अब चलते हैं हम अपने और एक अकाउंट में। तो यहाँ पर हमने पैरेलल मल्टीपल अकाउंट में एक जो ना न्यूट्रोनो प्लस का एक एप्लीकेशन बना के रखा है। सो यहाँ पर हमारा ऐप ओपन होने जाएगा अभी। सो यहाँ पर आपको ऐड को क्लोज कर लेना। अगर आप ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर न्यूट्रोनो प्लस का एक मोड यहाँ पर ड्यूअल ऐप बना लेना है और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दूसरे वाली जितने भी आप आईडी फेक आईडी बनाएंगे वहाँ से आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिस्टल का ऑप्शन है, मेरे पास 1617 क्रिस्टल हैं, 1619 क्रिस्टल हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र क्रिस्टल पर और यहाँ पर अपना आईडी लिखते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं 619 क्रिस्टल्स ट्रांसफ़र और यहाँ पर सेंड के बटन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे क्रिस्टल सेंड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी आईडी पर और यहाँ पर आईडी को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने क्रिस्टल हो चुके हैं, 2100। तो और गाइज यहाँ पर फॉलो भी आपको नहीं करना पड़ेगा अपनी रियल आईडी से, आपके फॉलोविंग भी कम रहेंगे और आपके फॉलोवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सिंपली आपको फॉलो करना है फेक अकाउंट से और फॉलोविंग बढ़ानी है अपनी रियल अकाउंट में। तो इसी टाइप से आप बहुत सारे फॉलोअर बढ़ा सकते हैं और फॉलोविंग कम रख सकते हैं और क्रिस्टल भी बहुत सारा ले सकते हैं। वैसे आप अपने एक घंटे में आप सिंपली आप कितने क्रिस्टल ले सकते थे, 500। अभी आप एक घंटे में जितनी आप आईडी फेक आईडी बनाएंगे उतने आप यहां पर क्रिस्टल बहुत ज्यादा ले सकते हैं और अपनी आईडी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और अपने फॉलोअर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं एक ही घंटे में। अगर आप जितना इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और आपको मैं एक टिप बताने वाला हूं, अपनी आईडी पर जिस पर आप इंक्रीज कर रहे हो फॉलोवर्स या जिस पर आप फॉलोविंग करते हो, जैसे कि यहां पर मेरा ये फॉलोवर यहां पर ये फेक आईडी है, इस पर आपको 2-step वेरिफिकेशन ऑन रखना है, या अपनी जो रियल आईडी उस पर आपको मस्ट 2-step वेरिफिकेशन ऑन रखना है। सो यहां पर हम चलते हैं अपनी आईडी पे। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है और अपनी 2-step वेरिफिकेशन जो है ना इसको ऑन रखना है, क्योंकि यहाँ पर किसी टाइम ये भी हो सकता है कि आपका आईडी और पासवर्ड इस एप्लीकेशन में लॉगिन है तो कोई हैक भी कर सकता है, लेकिन हैक तो नहीं होगा लेकिन टेम्पररी लॉक हो सकता है। उसके लिए आपको 2-step वेरिफिकेशन यहाँ पर ऑन रखनी है जिससे आपका अकाउंट जो है ना ब्लॉक नहीं होगा, परमानेंट ब्लॉक नहीं होगा, टेम्पररी ब्लॉक हो सकता है लेकिन परमानेंटली ये ब्लॉक नहीं होगा आपका अकाउंट। इससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए क्योंकि यहाँ पर ये टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है कई बार। तो अभी यहां पर आप इसको फॉलो कर लीजिए, मतलब इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने इंस्टाग्राम आईडी पर ज्यादा से ज्यादा जितने आप फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। सो गाइज अगर आपने अभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसको फॉलो कीजिए। आज का इतना ही वीडियो था आपके लिए, इतना ही आपके लिए काफी है क्योंकि आज का वीडियो इतना ही मैंने रखा है, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको मैं दिखाऊंगा अनलिमिटेड क्रिस्टल कैसे लेने हैं, तो इस टाइप से आप अनलिमिटेड क्रिस्टल ले सकते हैं। सो गाइज अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। Bye-bye.